गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमें प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चनों को समाप्त किया था और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें से एक एग्जाम्पल है 37, इसको देखें हम। सबसे पहले ए तथा बी एकांतरत एक पासे के जोड़े को उछालते हैं, तो ये हमारा परीक्षण हो गया। ए तथा बी के द्वारा एकांतरत एक पासे के जोड़े को उछालना। एकांतरत का मतलब है एक का अंतर, यानी कि पहले ए उछालेगा और फिर बाद में बी, फिर वापस से ए, वापस से बी। तो जब हम किसी पासे के जोड़े को उछालते हैं तो हम ये जानते हैं कि कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम बनते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। इसी प्रकार 2.1 से 2.6 तक, 3.1 से 3.6 तक, 4.1 से 4.6 तक, 5.1 से 5.6 तक, 6.1 से 6.6 तक। अब हम देखें आगे बढ़े प्रश्न पर क्या लिख रहा है। प्रश्न क्या है हमारा, यदि बी के सात फेंकने से पहले ए छः फेंकता है तब ए जीतता। ये पूरा एक सेंटेंस है हमारा यहाँ से, कि यदि बी के सात फेंकने से पहले ए छः फेंकता है तो ए जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ए कब जीतता है, हम इस पर विचार करें। ए कब जीत रहा है, जब ए कितना प्राप्त कर रहा है, 6 प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है, 6। यानी कि जब ए एक पासे के जोड़े को फेंकेगा तो उस पर उपस्थित अंकों का जो योग है वो 6 होना चाहिए, तब तो वो ए जीतेगा, अन्यथा ए नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब यदि हमने एक घटना दी है, ई नाम दिया है इस घटना को, कि ए द्वारा 6 प्राप्त करना। 6 प्राप्त करने का मतलब जब उसने ए ने पासे के जोड़े को फेंका तो उस पर उपस्थित अंकों का योग 6 होना चाहिए। तो देखें कौन कौन से संभावित परिणाम बनेंगे। 1.5 योग हो गया 6, 2.4 योग हो गया 6, 3.3 योग हो गया 6, 4.2 योग हो गया 6, 5.1 योग हो गया 6। तो इस प्रकार से ये कितने संभावित परिणाम आए, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यदि ई घटना की प्रायिकता निकालना चाहें तो कितनी आएगी, अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 36, तो 5/36। यदि हम कहें कि पी ऑफ ई डैश मतलब ई नहीं की प्रायिकता, तो 1-PE करके निकाल सकते हैं। 1-PE बराबर 1-5/36 बराबर हो गया 31/36। अब हम देखें अगला सेंटेंस क्या है हमारा, तथा यदि ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंके तो बी जीतता है। तो बी कब जीत रहा है, बी 7 फेंकता है तो बी जीतता है। इसका मतलब जब बी पासे के एक जोड़े को फेंकेगा तो उपस्थित अंकों का जो योग है वो 7 आएगा, तब ही बी जीतेगा, अन्यथा बी नहीं जीतेगा। तो बी के जीतने के लिए देखिए कितने संभावित परिणाम बनेंगे, 1.6 योग हो गया 7, 2.5 योग हो गया 7, 3.4 योग हो गया 7, 4.3 योग हो गया 7, 5.2 योग हो गया 7, 6.1 योग हो गया 7। तो कितने संभावित परिणाम आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास, 36। तो ये हो गया आपके पास F की प्रायिकता 6/36, 6 से यदि हम इसे काटें तो 1/6। पी ऑफ एफ डैश की प्रायिकता यदि हम निकालना चाहें तो 1-PE यानी कि 1-1/6 बराबर 5/6। अब हम देखें कि हमसे प्रश्न पूछा क्या है, ये दूसरा सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया यहाँ से, ये क्लियर बी जीतने की। अब तीसरी बात पूछा क्या है, यदि ए खेलना प्रारंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता हमसे पूछी है। ए के जीतने की प्रायिकता देखो, ये ए की जीतने की प्रायिकता, खेल प्रारंभ कौन कर रहा है, ए प्रारंभ कर रहा है, यानी कि पहले नंबर ए का आता है पासों के जोड़े को फेंकने का। तो पहले या तो ये हो सकता है पहली बार में ही वो जीत जाए ए, यानी पहली बार में ही वो कितना ले आए, 6 प्राप्त कर ले, या ये हो सकता है कि वो पहली बार में 6 नहीं आए, दो ही तो बातें हो सकती है। तो यदि वो, हमें तो जीतने की चाहिए, तो अब
यानी कि या तो वो पहली बार में जीतेगा, फिर उसका नंबर आएगा तीसरी बार, तो या वो तीसरी बार में जीतेगा फिर उसका नंबर आएगा पहली बार, तीसरी बार और फिर पांचवी बार। देखिए ये पहली बार जीत जाएगा, ई आ रहा है, ई की प्रायिकता, ई का मतलब ए, ई घटना का मतलब ए का जीतना, तो ये तीसरी बार में जीतेगा। यहाँ देखें हम पहली बार में जीतेगा या तीसरी बार में जीतेगा या फिर पांचवी बार में जीतेगा या फिर और अगला खेल अनवरत चलता रहता है तो डॉट डॉट करके छोड़ दे। अब हम इनकी प्रायिकता है हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ से देखें ई की प्रायिकता है 5/36 प्लस ई डैश की प्रायिकता, ई डैश की प्रायिकता आई हमारे पास 31/36 इंटू एफ डैश की प्रायिकता 5/6 इंटू ई की प्रायिकता 5/36 प्लस इसमें देखें ई डैश एफ डैश, तो ई डैश 31/36 इंटू एफ डैश 5/6 इंटू ई डैश, ई डैश कितना है 31/36 और इंटू फिर 5/6 फिर इंटू 5/36 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम देखें कि ये जो सीरीज बनेगी वो एक जीपी बनती है, तो जीपी बना दें हम, इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो पहले और सरल हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी। 5/36 सब में से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 31/36 इंटू 5/6 प्लस 31/36 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें तो हमें क्लियर होगा कि 5/36 जा चुका है, तो ये होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम देखें कि ये हमारी सीरीज है जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका प्रथम पद एक है और आर सार्व अनुपात है हमारे पास 31/36 इंटू 5/6 और हम ये जानते हैं कि अनंत पदों का जो योगफल है वो होता है एस अनंत ए अपॉन 1-r। तो ये सूत्र हम इसमें लगाएं 5/36, तो ए का मान 1 और 1-r, r का मतलब 31/36 इंटू 5/6। कैलकुलेशन करें हम, कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है देखिए 5/36, यहाँ से कैलकुलेशन की 36 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ होगा 36 इंटू 6 36 की 3 6 18 और 3 21 216 माइनस 31 30 पंजो 150 155। अब यहाँ से देखें कि ये 36 से ये 36 कैंसिल और कितना आ रहा है हमारे पास 5 6 30 या 5 इंटू 6 कर लें, 216 में से 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 और 5 50 50 और 10 60 और 1 61, तो ये आया हमारे पास 6 5 30 30/61 ये आंसर। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझने की बात जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी इसमें कि क्या था हमारे पास परीक्षण हो गया था और परीक्षण एक ए और बी एक पास के जोड़े को बार बार एकांतरत उछालते हैं, एक के अंतर्गत ए कब जीतता है जब 6 फेंकता है और बी कब जीतता है जब 7 फेंकता है, तो दोनों के जीतने की और नहीं जीतने की प्रायिकताएं आ गई। फिर हमने ए के जीतने की कम्प्लीटली ए कब जीतेगा उसकी कितनी संभावना यदि ये परीक्षण चलता रहे तो उसकी आई हमारे पास कितनी 30/61। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 39। हाँ जी, अब हम देखें एग्जाम्पल नंबर जो इम्पोर्टेंट है 39, वो क्या है हमारा एग्जाम्पल द्विपद बंटन, बंटन ऑफ 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से हमें ये अच्छा सवाल बन गया है,
तो क्या है इसमें बंटन, बंटन क्या होता है हमारा, बंटन ऑफ एन कॉमा पी होता है। तो यहाँ से एन का मान कितना मिला, 4, और स्मॉल पी का मान 1/3। स्मॉल पी का मतलब सफलता और स्मॉल एन का मतलब परीक्षणों की संख्या। परीक्षण कितने कर रहे हैं, 4। जैसे एक सिक्के को 4 बार उछालें या किसी पासे को 4 बार उछालें तो सफलताओं की संख्या मैक्सिमम कितनी आएगी, 4 सफलताएं आ सकती है मैक्सिमम। यानी एक्स के संभावित मान कौन कौन से होंगे, या तो 4 सफलताएं, या 3 सफलताएं, या 2 सफलताएं, या फिर 1 सफलता, या फिर एक भी सफलता नहीं। उस कंडीशन में एक्स के संभावित मान क्या होंगे, 4, 3, 2, 1 और 0। अब क्या पूछा है हमसे, माध्य। माध्य की हम बात करें तो माध्य हमने पिछले वीडियो में भी निकाला था। माध्य का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, यानी एक्स के संगत मानों या एक्स के मानों के संगत हमें पी के मान चाहिए होते हैं। तो हमने एक्स के मान तो निकाल लिया, पी के मानों को हम निकाले एक एक करके। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्योंकि 3 मान तो ये रहे और एक्स के मान ये रखते जाएंगे इस फॉर्मूले में, तो ये इनके संगत प्रायिकताएं हमें प्राप्त होती जाएंगी। तो फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स इक्वल एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू पी की पावर एक्स। अब यहाँ पर जो हम करेंगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, इनका मान चाहे तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं या फिर हम पास्कल त्रिभुज की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो पास्कल त्रिभुज मैंने इधर बनाया है, यहाँ पर देखें, पास्कल त्रिभुज एक के बाईं ओर एक और दाईं ओर एक, ऐसे ही बाईं ओर एक, दाईं ओर एक, बाईं ओर एक, दाईं ओर एक, बाईं ओर एक, दाईं ओर एक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 1 और 1 2 जोड़ दिया, 2 और 1 3, तो ऐसे ही 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। तो ये यहाँ n बराबर 4 के लिए हमारे पास मान आ गए, 4C0 का मान 1, 4C1 का मान 4, 4C2 का मान 6, 4C3 का मान 4, 4C4 का मान 1। अब हम देखें इधर कि जैसे ही हमने यहाँ पर n का मान 4 रखा और क्यू और पी के मान और एक्स का मान क्या है, 0 रखा, तो ये हमारे पास बना 4C0 2/3 की होल पावर 4 माइनस 0 इंटू 1/3 की होल पावर 0। कैलकुलेशन के लिए 4C0 का मान 1, ये रहा हमारे पास 2/3 की होल पावर 4, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1, तो ये 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81, तो आ गया 16/81। अब हम इधर आएँ एक्स बराबर 1 पर देखें हम, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे 4C1 हो जाएगा, वही क्यू का मान, क्यू का मान क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू पी की पावर एक्स। अब यहाँ से देखें हम 4C1 का मान ये रहा 4, हमारे पास 4 रख दिया, 2/3 की ऑल पावर 4 माइनस 1 3 रह गया। अब यहाँ 1/3 की पावर 1 तो 1/3, कैलकुलेशन करें 2 की पावर 3 8 और 8 चक्कू 32, ये रहा 3 की पावर 3 27 और 27 3 81, ये आ गया 32/81 आपके पास। अब हम देखें एक्स बराबर 2 पर 4C2, वही 2/3 की ऑल पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/3 की ऑल पावर 2, मान रख दिया एन पी एक्स और क्यू का मान। और इस सूत्र में 4C2 का मान यहाँ देखें कितना है, 6, तो ये 6 ले लिया, 6 यहाँ से घट करके कितनी घट गई, घात 2, और ये 1/3 का मतलब 1/9 रह गया, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 करेंगे तो 81, तो ये आ गया 24/81। इसके बाद एक्स बराबर 3 पर देखें 4C3, 2/3 की होल पावर 4 माइनस 3, 1/3 की होल पावर 3। 4C3 का मान यहाँ से लिया हमने 4, देखो डायरेक्ट मिल रहा है मान, इसीलिए मैंने बनाया है कि हमें सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं हो, फटाफट बन जाता है। 2/3 की होल पावर 1, 1/3 की होल पावर 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3 है तो 27 और 27 3 81 और 4 × 2 8, तो ये आ गया 8/81। अब हम x बराबर 4 पर देखें 4C4, 2/3 की होल पावर 4 माइनस 4 इंटू 1/3 की होल पावर 4, 3 की पावर 4 तो 81 रहता ही है हमारे पास, ये 0, किसी की भी घात 0 है उसका मान 1, 4C4 का मान 1 रह गया, तो ये आ गया 1/81। अब हम देखें माध्य की बात आती है, माध्य हमें निकालना है, तो 5 मान है i बराबर 1 से लेकर 5 तक,
तो x1 p1 इनके मानों को जमाएं अब हम, x1 का मान 0 इंटू p1 हमारा 0 के रेस्पेक्ट में आया 16/81 प्लस x2 p2 का मान 32/81 प्लस 2 फिर 2 के लिए 24/81 फिर 3 के लिए 8/81 और प्लस 4 के लिए 1/81। ये तो 0 हो गया प्लस ये 32/81 प्लस 24 × 48/81 प्लस 8 × 24/81 और 4/81 81 लघुत्तम आ गया आपका। ये आ गया 32 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 4 तो हम देखें कितना आएगा। 4 × 8 8 × 16 16 17 18 की 8 हासिल की 1 3 × 4 7 और 3 10 108/81 आया हमारे पास। तो इसको हम कैलकुलेशन करें कितनी बार कटेगा। 3 से कट जाएगा 3 × 9 3 × 6 = 18 3 से कट रहा है देखो 3 × 9 और 1 × 3 = 18 ये 3 × 27 बार। फिर और कट रहा है क्या 3 से काटें तो 3 से और कट रहा है 9 से ही कट रहा है देखो 9 × 36 और 9 × 27 तो यहाँ पर कितना आया 4/3 ये माध्य आया हमारे पास। क्या आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर 4/3 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। कुछ नहीं था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। बंटन दे रखा था हमें, बंटन से हमने एन और पी के मान निकाल लिए, क्यू का मान हम 1 − p करके निकाला और एन परीक्षणों की संख्या बताता है, परीक्षण 4 थे तो 4 थे परीक्षण तो हमारे पास सफलता जो है मैक्सिमम 4 हो सकती है या कम से कम बात करें 0 सफलता। तो एक्स के संभावित मान हो गए थे 0 से 4 तक 0, 1, 2, 3, 4 इन मानों के संगत हमने एक एक करके प्रायिकताएँ ज्ञात करी। प्रायिकताएँ 0 पर 1 पर 2 पर 3 पर और 4 पर। फिर माध्य हमने निकाला, माध्य के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में एक्स के मानों के संगत पी के मानों को जमाया, कैलकुलेशन करते चले गए और ये हमारे पास आया 4/3 ये आपके पास माध्य आ गया। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूर्ण रूप से कम्प्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक है, अगली जो चैप्टर है मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।